न्यूज में हम सुनिए और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी स्टार से बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार ने ये कहा है हाल ही में, वो बहुत सारे नए डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं लेकिन पुराने डायरेक्टर उन्हें डायरेक्ट नहीं करते। आखिरकार उनका मतलब ऐसे मैं समझ नहीं पाया था। गुड न्यूज के टेलर लॉन्च पे भी उन्होंने ये बात कही थी। और बॉलीवुड के इकलौते एक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा नए डायरेक्टर के साथ काम किया है, राज मेहता जिनकी फिल्म है गुड न्यूज, वो उनके 21st न्यू डायरेक्टर है। और वही अगर बात करें क्यों नहीं डायरेक्ट करते, तो उसमें एक बड़ा रीजन ये है कि शायद बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते वो, अक्षय कुमार के साथ। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, करण जौहर गुड न्यूज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वहीं जो YRF है यानी कि आदित्य चोपड़ा, वो पृथ्वीराज को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उन्हें डायरेक्ट नहीं कर रहे अक्षय कुमार को। तो कहीं ना कहीं पहली दफा ही नहीं है, पहले बहुत पहले से ही अक्षय कुमार को बड़े डायरेक्टर्स अप्रोच नहीं करते हैं। अगर वो अप्रोच करते थे तो सलमान, शाहरुख, आमिर, तो ये बात जरूर सामने आई है कि अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं किया जाता था। बट अच्छी बात ये है कि अक्षय कुमार को जो न्यू डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ही बहुत बढ़िया बढ़िया वो फिल्म दे नए डायरेक्टर के साथ। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 21 न्यू डायरेक्टर के साथ अक्षय कुमार ने काम किया है। अक्षय कुमार का कहना यह है कि 60% काम फिल्म का तब हो जाता है जब फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी होती है और स्क्रीन प्ले अच्छा होता है, और बाकी का जो 40% काम है जो डायरेक्टर है वो कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अक्षय कुमार ने ये कहा कि अगर बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलता तो छोटी जगह जॉब करो और उसके बाद बड़ी जगह जंप मारो, घर पे बैठे कुछ हो नहीं सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी देगा अक्षय कुमार भी, हो कि उनकी जो फिल्म है वो न्यूज बहुत बड़ी धमाका करे। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्म में रोल दे। चलिए कल कितने दोस्तों।